धनंजय सिंह तो बीजेपी के साथ, लेकिन वोटर्स ने छोड़ दिया, कर दिया साइकिल के समर्थन का ऐलान, तो सपा में खुशी और बीजेपी में मचा घमासान। जौनपुर में केला करने की धनंजय ने कर ली थी तैयारी, लेकिन सपा नेता ने एन वक्त पर पलट दी बाजी और जो खुलासा किया उसने हैरान कर दिया। देखिए कैसे धनंजय को खबर तक नहीं हुई और पैरों के नीचे से खींच ली गई कालीन। सपा नेता ने देखी कैसे पलटी बाजी और क्या क्या खुलासा किया। पूर्वांचल की जौनपुर सीट पर एक बार फिर पेच फंसता नजर आ रहा है और ऐसा खेला हुआ है कि अब बीजेपी हैरान परेशान दिखाई दे रही है और जो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे वो छुपे छुपे घूम रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस नेता की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझ पाए तो हम बता देते हैं कि हम किसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की, जो दावा कर रहे थे कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब सपा के एक नेता ने वो खुलासा किया है जिसकी उम्मीद ना तो धनंजय सिंह को थी और ना बीजेपी को। नए खुलासे की माने तो धनंजय आज भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वोटर्स ने उनसे किनारा कर लिया है और ऐसा किनारा किया है कि अब मिस्टर पूर्व सांसद को समझ नहीं आ रहा कि मीडिया के सवालों पर क्या जवाब दिया जाए। जौनपुर में 2019 में बीएसपी ने जीत का परचम लहराया था और श्याम सिंह यादव सांसद बने थे, वो एक बार फिर मैदान में हैं, लेकिन अब की बार सपा बसपा अलग है जो 2019 में साथ थे। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाना चाहती है और सपा अपना दावा ठोक रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सियासत में हल्ला तब मचा था जब धनंजय सिंह ने पाला बदला था और अब सपा नेता के खुलासे के बाद हंगामा और ज्यादा बरफ गया है। दरअसल सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एक खबरिया चैनल को दिए इंटरव्यू में धनंजय सिंह को लेकर खुलकर बात की और जौनपुर में सपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोग धनंजय सिंह को समझ ही नहीं सकते हैं, धनंजय सिंह का सारा वोट समाजवादी पार्टी में जाएगा। जिस तरह से धनंजय सिंह चुनाव लड़ने से विड्रॉ करने के लिए विवश किए गए हैं, कोई भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता। रामगोपाल यादव ने कहा कि धनंजय सिंह की बात छोड़िए, उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी वोट नहीं करता। आप जबरदस्ती सत्ता के लिए किसी को कहो कि विड्रॉ करो तो ऐसा नहीं होता, और क्या ऐसा कर देंगे तो क्या वोट दे दिया जाएगा? अब वो दे भी दे, लेकिन उनके समर्थक नहीं वोट देंगे। एक आदमी का एक ही वोट होता है, वो सब सपा को वोट देने जा रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कृपा शंकर सिंह मुंबई से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत थोड़े ही जाएंगे। दरअसल धनंजय सिंह की पत्नी शीतला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर से प्रत्याशी बनाया था। उनके आने के बाद इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद उनका टिकट कट गया। धनंजय सिंह ने बीएसपी पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो वहीं बीएसपी ने कहा कि उनकी पत्नी ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी को समर्थन देने के बाद धनंजय सिंह की पत्नी शीतला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कई तरह के कयासों का दौर जारी है। आपको बता दें कि जौनपुर सीट पर बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सपा की ओर से बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी ने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।